हेलो मेरे क्रिकेट के मित्रों क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का आई होप आप सब ठीक होंगे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी टॉप फाइव ऑलराउंडर्स आई थिंक एक प्लेयर में मिस कर गया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट वो थे जी अफग़ानिस्तान के मोहम्मद नबी आई थिंक हमें हम सबको एज एज़ ऑलवेज से कि वी शुड ऑलवेज़ यू नो यू नो हम सबको इक्वल देखना चाहिए लेकिन मैं आप बस मेरे जहन से निकल गया और पाँचवें आई थिंक जदेजा की जगह पर आई वुड कीप मोहम्मद नबी ऑफ अफगानिस्तान हीज़ ए ग्रेट ऑलराउंडर एनी वे तो ये आज हम बात करेंगे आ, आ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे शुरू हुई है जैसे कि सबसे पहले आ, आ, जो शोहब मलिक थे जिसने पाकिस्तान काफ़ी अर्से के साथ खेल रहे थे टो तो भी ऑनेस्ट उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी लेकिन एक ऑलराउंडर के हिसाब से काफ़ी अर्सा हो गया था कि हमने कभी उसकी सेंचरी नहीं देखी तो काफ़ी अर्से के साथ टीम के साथ खेल रहे हैं मुझे याद है जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ दो हज़ार पाँच दो हज़ार छः से तो पहले तो उसकी स्टेटमेंट आई और बाबर आजम को लेके कि बाबर आजम को लाइक मैं बचपन से जानता हूँ जब बाबर आजम जे जो थे वो कहते हैं कि मेरी छोटे भाई की तरह हैं बल्कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं जैसा कुछ होता है तो मुझे पता लग जाता है कि ये क्या करना चाह रहा है और यानी उसके उसका जो इशारा था वो सिलेक्शन की तरफ़ था कि सिलेक्शन में जो है मुझे नहीं लगता कि बाबर अजम का हाथ है क्योंकि बाबर अजम ऐसा है ही नहीं और बाबर अजम की सिलेक्शन में जो है वो कहते हैं कि मुझे कोई भी ऐसा रोल नज़र नहीं आता और आ... बाबर अजम को मजबूर किया जा रहा है कि वो उसके ऊपर बात ना करें अगर बात करेंगे तो फिर चाहे कितने ही बड़े बैट्समैन क्यों ना हो फिर आपको पता है कि पी सी बी उन क्या करता है उनके साथ जो बॉल पड़ता है एनी anyway, वे और इसके जवाब में जो है शाहिद आफरीदी साहब जो है वो आ गए आपको पता है शाहिद शाहिदाफ्रीदी फिर किसके साथ वो तो ही यट्स टू बी ऑन द न्यूज़ एवरी टाइम और शाहिद शाहिदाफ्रीदी कहते हैं कि मैं जो हूँ वो आ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खामोश बैठूँ जब इस तरह की चीज़ हो तो वो टवक पड़ता है बीच में और शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि जब 2009 में शोएब मलिक कैप्टन बने थे तो मैं रिटायर होने वाले चाहता तो हो जाते भाई रिटायर क्यों नहीं कि शोएब मलिक जब कैप्टन बने थे तो आई वाज गोइंग टू बी रिटायर्ड बिकॉज शोएब मलिक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है पोलिटिशन करते थे उसके दौर में काफ़ी ज़्यादा पोलिटिक्स थी गेम के अंदर तो ये शे ये जो थी ये एक हैरानकन खबर थी मेरे लिए मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है मुझे तो लगता है शाहिद अफरीदी के दौर में ज़्यादा पॉलिटिक्स था लेकिन ना यू नो मैं उस वक्त नहीं था वहाँ पर लेकिन मैं क्या कह सकते हैं हो सकता है ही इज़ ही इज़ राइट बट शाहिद अफरीदी का ये बयान अब देखते हैं कि मलिक का इसके ऊपर क्या रिस्पॉस आता है उसके ऊपर जो है बात करेंगे इसके अलावा बाबा जो वहाब रियाज हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं भाई अपने टीम में वापस आने के लिए वहाब रियाज जो है वो कहते हैं कि मैं अपने टीम में जो है वापस आऊँगा वर्ल्ड कप भी खेलूँगा इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है मुझे लगता है शायद वो आ जाएगा क्योंकि वहाब रियाज ने अभी तक कुछ कमेंट नहीं किया है शोएब मलिक और आमिर तो बेचारे जो है वो मुझे लगता है कि वो दोबारा टीम का हिस्सा नहीं होंगे जिस तरह के उन्होंने कमेंट किया था और वो ये तो गए भले कि वहाब रियाज आ सकते हैं क्योंकि उसने जो है आ, कोई कमेंट नहीं किया वहाब रियाज को इसलिए वो लोग ले आएंगे क्योंकि वहाब रियाज को एज़ एग्ज़ाम्पल वो लोग लेंगे कि यार देखो उसने कुछ बोला नहीं फिर भी अब आ गया टीम में और तुम लोग जो है वो पी सी पी के ख़िलाफ़ बोलने लग गए और ये तो वो तो इसके अलावा जी फ़खर ज़मान की बात करेंगे फ़खर जमान जो है वो कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की इस जो वक्त जोड़ी है ओपनिंग वो बेहतरीन जोड़ी है और ये इसी तरह टीम जो परफॉर्म करती रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आऊँ लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दोनों बैट्समैन है ये शूट करते हैं इनकी ओपनिंग क्या ही बात है तो ये थी आज की जो है वो टॉप खबर पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अपना चैनल को सब्सक्राइब सॉरी मैंने कहा ये मैं नहीं बोलूँगा नहीं थैंक यू अपना क्या ख्याल बाय